भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का हृदय रोग निदान शिविर संपन्न 16 हृदय रोगियों के होंगे अनंत हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में निशुल्क ऑपरेशन। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निशुल्क हृदय रोग निदान शिविर संपन्न हुआ। शिविर में जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए 62 रोगियों ने पंजीयन कराया, जिसमें 16 हृदय रोगी ऑपरेशन के लिए चयनित हुए। इन रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन अनंत हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेडक्रॉस सोसाइटी रविंद्र चौधरी, चेयरमैन दीवान सुरेंद्र लाल, SBI के रीजन मैनेजर मुकेश कुमार राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन जैन, वाइस चेयरमैन आलोक एम इंदौरिया, सचिव समीर गांधी की ओर से भगवान गणेश की तस्वीर पर माले अर्पण कर किया गया। शिविर में खनिया थाना पिछोर कोलारस पोहरी सतनवाड़ा करैरा बदरवास के सुदूर गांवों से हृदय रोगी बच्चे परीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं शहरी क्षेत्र शिवपुरी से बच्चों के अलावा एक दर्जन भर अधेड़ हृदय रोगियों ने भी उपस्थित होकर परीक्षण कराया। शिविर में आए रोगियों को मुख्य अतिथि की आसंदी से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। शिविर में उपस्थित चिकित्सकों एवं रोगियों को संबोधित करते हुए वाइस चेयरमैन आलोक एम इंदौरिया ने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी जिले के नागरिकों के लिए यह 5वीं बार हृदय रोग निदान शिविर का आयोजन कर रही है। रेडक्रॉस और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 300 से अधिक हृदय रोगियों को उपचार की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सेवा ही रेडक्रॉस का संकल्प है, जिसे हम सबको निर्वहन करना है। शिविर में आए हृदय रोगी और उनके परिजनों के लिए भोजन व परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर गांधी है, मैं रेडक्रॉस सोसाइटी शिवपुरी का सचिव हूँ। भी आज कैंप लगाए यहाँ पर, इसमें कितने बच्चों को देखा गया है डॉक्टर के माध्यम से? अभी तक लगभग 50 बच्चों को देखा गया है और 10 आयुष्मान कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी चेक किया गया है। तो टोटल ऐसे लगभग 60 लोग जाँचे जा चुके हैं अब तक, और उसमें से कितने केस फाइनल होंगे वो भी लगभग शाम तक पता चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी है। कहाँ से आए हो? रैयन। कहाँ पड़ता है ये? ये बेराड़ के पास। बेराड़ के पास रैयन गाँव। हाँ। वो ये बच्ची है? दादी है? दादी हो आप? हाँ, मैं दादी हूँ। क्या दिक्कत है इसको? इसके हार्ट में दिक्कत है। तो कैसे पता चला आपको हार्ट में दिक्कत है? हमको तो पता नहीं चला, जो स्कूल पढ़ने गई थी, डॉक्टर गए थे, उनने चेक करके हमें तो अचानक बुलाया यार। तो यहाँ किसने बुलाया आपको? यहाँ के बारे में कैसे पता पड़ा कि यहाँ से लग रहा? डॉक्टर लेके आए हम। अच्छा, डॉक्टर लेके आए हैं। तो क्या बोला आप चेक करके डॉक्टर ने बच्ची को? बोले ऑपरेशन हुआ। तो करा रहे हैं ऑपरेशन? तो आयुष्मान कार्ड है आपके पास? तो कैसा लगा यहाँ शिविर में आके, संतुष्ट हो आप? भाई साहब, क्या नाम है आपको? मैं आलोक इंदौरिया, वाइस चेयरमैन हूँ रेड क्रॉस। ये आज कैंप लगाया गया है, इसके बारे में बताएं। ये कैंप जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से लगाया जा रहा है और ये 5वां कैंप है। और इन कैंपों में स्पेशली ये हार्ट से रिलेटेड कैंप है, जो बच्चे हैं उनके जो दिलों में पैदाइशी दिक्कत आ रही है या बाद में दिक्कत आ रही है, उसको लेके ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें इस बार बड़ों को भी देखा गया है और इन कैंपों में सारी सुविधाएं शासन की ओर से फ्री दी जा रही है। तो ये डॉक्टर जो कैंप लगाया है, ये कहाँ से आए हैं? ये डॉक्टर नोबल हॉस्पिटल भोपाल से आए हैं और जो बक्सर जो चेक कर रहे हैं वो DM कार्डियोलॉजी है, और यहीं वो स्कैनिंग कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, और जो 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 बच्चे ऑपरेशन लायक हैं उनको ये यहाँ चिन्हित कर रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से और स्वास्थ्य समिति के माध्यम से इनको भोपाल भेजा जाएगा और ऑपरेट करा के वापस आएगा। अब तक 300 ऑपरेशन इस तरीके से किए जा चुके हैं आपके माध्यम से यहाँ? हाँ, रेड क्रॉस और जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से। भाई साहब, आज कैंप लगाया तो अभी तक कितने बच्चों का देखा गया है? कितने बच्चों? इसकी जानकारी हमारे सचिव महोदय आपको देंगे, उनके पास पूरा डेटा है।